close till I get out. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सितारास किचन एंड व्लॉगिंग। आज मैं आपको कोकोनट बर्फी बनाने का दिखा रही हूँ। इसमें तो बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने मीडियम साइज कोकोनट लेके ग्रेट कर लिया है। और एक बात यह है कि कोकोनट ग्रेट करने से पहले इसका जो ब्राउन पार्ट रहता है इसको पील कर लीजिए। नेक्स्ट इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के टाइम फिर से दो बातों का ध्यान रखना है। पहला यह है कि पानी बहुत कम डालना है। अगर आप पानी नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। और इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए, कोकोनट को ग्राइंड करके हो गया है। मैंने इसमें पानी बहुत ही कम यूज़ किया है। ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया है। इसको बाद में मिक्स करेंगे। अभी पैन में 2 स्पून घी डाल रही हूँ। घी भी ज़्यादा नहीं डालना है। 1 मीडियम साइज कोकोनट के लिए 2 स्पून काफ़ी है। अब पैन में ग्राइंडेड कोकोनट को डाल रही हूँ। अब इसको मीडियम फ्लेम पे रख के 3-4 मिनट्स के लिए ऐसे ही हाथ चलाते रहना है। देखिए, 4 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें शुगर ऐड करना है। शुगर का मेजरमेंट ऐसा है कि अगर 1 बॉल ग्राइंडेड कोकोनट ले रहे हैं तो जिनको कम स्वीट चाहिए वो 1/2 बॉल शुगर लेना है। अगर स्वीट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो शुगर 3/4 बाउल लेना है। कुकिंग करने के टाइम पे कहीं पर भी पानी यूज नहीं करना है। और फ्लेम मीडियम फ्लेम में ही रख के कुक करना है। अगर आप हाई फ्लेम में डालेंगे ना तो पूरा मिक्सचर जल जाएगा। अभी मैं आपको 5-6 मिनट्स के बाद का क्लिप दिखा रही हूँ। अब देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है और पैन को छोड़ने लगा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा, मतलब मीडियम साइज़ का कोकोनट लिया है तो मिक्सचर थोड़ा कम है, इसलिए कम टाइम लग रहा है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर, 1/2 स्पून इलायची पाउडर एंड थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। मैंने अभी एक प्लेट लेके उस पर घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब ये मिक्सचर इसमें डाल के सेट करना है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको ये ठंडा होने के बाद का दिखा रही हूँ। अभी पूरी तरह से सेट हो गया है। और एक बात, जब ये गर्म रहता है तभी इसके ऊपर लाइंस डाल लीजिए, वरना पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसको कट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने इस पर पहले ही लाइंस डाल लिए थे इसलिए इजी से पीसेस निकल रहे हैं। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखिए कितने परफेक्टली पीसेस आके हैं।
यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी, अगर पूरे स्टेप्स फॉलो करने के बाद और प्लेट में डालने के बाद और ठंडा होने के बाद जब कट करेंगे तो आपके पीसेस ठीक से नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब वो ठीक से पका नहीं। आप एक काम करना है कि फिर से पूरा पैन में डाल के एक 5 मिनट्स के लिए पका के तो प्लेट में डालेंगे तो आपके बर्फी पीसेस ठीक से आएंगे। आज कोकोनट बर्फी टेस्ट करने के लिए हमारे घर खुदसिया के कज़िन भी आके हैं, उनका नाम शिफा है। अब ये दोनों खा के बताएंगे कि बर्फी कैसी बनी है।